अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने वीडियो तो बनाई और उनसे मार्केट जाके, लेकिन ऐसा क्या काम कराया जो कि आप लोगों ने देखा ही नहीं। और वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो को छोटा सा करने की कोशिश की ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। तो जी हाँ दोस्तों, डिटेल में वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल आ गया हूँ आपके लिए। और ये खड़ी हुई बाइक जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने होंडा ले ली है, चाइना को स्किप किया और होंडा ले ली। और जिनको बाइक दी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े खुश हैं, अल्लाह पाक उनको हज़ारों खुशियाँ दिखाए, उसमें बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। मैंने ली उनकी दुआओं से ली, और हम दोनों की नीयत अच्छी थी तो इसलिए मैंने भी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपसे वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बताते हैं कि 250 में मैंने क्या करवाया। सही है, तो सबसे पहले ये ग्रिप चेंज करवाई, ये चार्जर लगवाया, ये देख लें आप, मेरा चार्जर है, ये चार्जर है, मोबाइल को चार्ज करता है। ठीक है, करीब से दिखा दूँ, ये चार्जर। और ये डिपर, ये भी करीब से देख लें, ये डिपर है। और ये सिंगल, ये सिंगल आप सुन रहे हैं वॉइस, ये देखें आप। और ये डबल इंडिकेटर हो गया, तो डबल हो गया ये काम करवाया एक तो। दूसरा ब्रेक लाइट लगवाई है नीचे, वो देखें आप वाइट, ये देख रहे हैं, ये भी करवाई है। सलाम है उन अंकल को जो अपनी हलाल की मजदूरी ले रहे थे और जो वीडियो में जिसको आपने देखा भी। ये चारों इंडिकेटर जल रहे हैं आपके सामने, कैसा लुक दे रहे हैं। और ये देखें आप, ये लुक, नीचे प्लेट भी लगाई है। और मेरे साथ अदनान है, वो बताएंगे कि उनको ये तब्दीली कैसी लगी। नीचे प्लेट भी लगाई है, वो भी 250 में। अच्छा, काउंटिंग कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लाइट नंबर 4, बेल नंबर 5 और प्लेट नंबर 6, 6 काम करवाएं 250 में। अगर हम 50 रुपये का भी एवरेज लगाएं ना, तो फिर भी अंकल ने जो है ना बहुत चाय पैसे दिए और चाय भी बुलाई है। और फिर खुशी से हमने कहा अंकल हम आएंगे ही आपके पास, और हमने भी खुशी से उन्हें जो दुआएं दी हैं वो तो बहुत दिल से दी हैं। और वैसे भी उनके पास रश होता है, 15-15 साल पुराने लोग वहाँ आ रहे हैं, 10-10 साल पुराने, तो इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। जो लोग परेशान हैं उन लोगों से जो उनको पैसों की नस्बत काट रहे हैं और काम भी अच्छा नहीं करके दे रहे, छोटे छोटे काम के 200 रुपये लेते हैं, फिर मैं चार्जर के 200 रुपये बोले थे मुझे चार्जर के खाली, तो मैंने तो सारा काम करवाया आपके सामने भाई, देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा ये आप बताना, और एक वीडियो में मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा इसकी स्पीड के हवाले से, कि मैंने ये सुना है कि होंडा इस ऊपर नहीं जाती, जिन्होंने ये कहा है वो उनका एक्सपीरियंस था। अब मैं एक्सपीरियंस करके बताऊंगा कि इस ऊपर भी जाती है, 100 भी करती है और चाइना वाली के साथ मुकाबला भी करती है। फ्यूल एवरेज 55 to 60 तो है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है, अगर मज़ीद बेहतरी हुई तो वो भी आपको बता दूंगा। और ये स्पीड का तो रिव्यू ज़रूर देना है। तो मेरे साथ अदनान है, मैं अदनान को बुलाता हूँ और वो अदनान बताएंगे कि उनको कैसा लगा। आइए अदनान। हेलो गाइस, हाउ आर यू? अदनान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं अदनान आपसे छोटा सा रिव्यू लूँगा कि आपने पहले आपने देखी है काम होने के बाद, तो अदनान आपके समझते हैं कि 250 रुपीज़ में ये अंकल ने कितने अच्छे पैसे ले लिए हैं कि आप समझते हैं कि हम कहीं और से करवाते तो इस काम के कम से कम 1000 रुपये होते। बिल्कुल, और मैकेनिक तो लूट लेते आप, है ना। अंकल ने अपनी हलाल रोजी कमाई और आपको इतना अच्छा काम कर दिया, आपके हम भी दुआएं देते हैं उनको कि जो अपना हलाल रोजी कमाते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं। बिल्कुल, और माशाल्लाह बाइक आपको बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपकी अच्छी बाइक अल्लाह ताला ने आपको नवाजी, खैर मुबारक। और इसका इतना अच्छा काम आपने करवाया, अल्लाह इसको मुबारक करे आपको। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँ अदनान, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं ना रेड बाइक को ना लोगों के पास जब देखता था ना, बोलते हैं रेड बाइक यार कैसे लोग हैं, तोबा तोबा हंसता था। लेकिन अब मैंने ले ली है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो भी खुशी में लेते थे, खुश होते थे, उनको पसंद थी, अब मुझे पसंद आई है रेड तो मैंने भी खुशी में ली। आपको रेड कलर बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं बुरा, मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अब आदत हो जाएगी शायद। होंडा की जान है रेड कलर, होंडा की जान है रेड कलर, ऐसा ही है। हाँ, हमारे एक भाई हैं सिंध के, उनको भी हम वीडियो में बुलाएंगे क्योंकि उनको भी बाइक पसंद आई है और मुझे भी उनकी बाइक देख के मुझे जोश चढ़ा था। उनके पास भी होंडा बाइक थी तो मैं उनको देख के ना एक्सपायर हुआ, एक्सपायर इंस्पायर। हाँ, थोड़ा सा वर्ड मेरे आगे पीछे, तो आप लोग थोड़ा हंस लीजिएगा। आ जाएं साईं, आ जाएं, ये हमारे साईं हैं और ये हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारी मुल्क की शान है, हमारे प्यारे भाई। भाई जान माशाल्लाह बहुत अच्छी भाई ने बाइक ली है, बहुत शो वाली है, अच्छी खासी चलती है। बिल्कुल, आप लोग भी ये ले रहे हैं, ये तो आपकी मोहब्बत है ना कि आपने तारीफ की है।
आपने होंडा क्यों ली थी, आपको होंडा क्यों पसंद है, ये लोगों को बता दें थोड़ा सा होंडा के बारे में। होंडा जो है ना बहुत पसंद है, होंडा चलने में अच्छी है, इसका पेट्रोल ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल इसमें बैठे को ऐसे समझो 125 बैठे हो, 125 पे बैठे बिल्कुल। अच्छा, लोग होंडा लेते हैं उसकी खास वजह ये भी होती है कि एक तो उसकी कंफर्टेबल राइड जो कि होती है, मतलब सुकून वाली राइड चाइना से, पेट्रोल एवरेज कैसा होता है ये बताओ। बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल मज़ेदार। भाई ने बाइक ली और बाइक के पैसे बहुत अच्छे लगे हैं और इन्होंने दिल से रखी इन्होंने अपनी बाइक, और मैं इनको देख के जो है मैंने भी बाइक ली इनको ही देख के, तो अल्लाह पाक इनको नसीब करे, बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन, और इनकी हिफाजत करे सबसे पहले, और आमीन सुम आमीन। तो आप अपना नाम तो बताएं। मैंने फारूक, अल्लाह फारूक भाई आप खुद बताएं ना, मैं नहीं, मेरा नाम है फारूक। फारूक भाई हमारी शान, हमारी पहचान। फारूक भाई आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपने इतनी अच्छी मेरे लिए बात कही है, मैं आप इससे यकीन करके बड़ा इंस्पायर हूँ, आपकी वजह से मैंने बाइक ली है। हाँ, तो बिल्कुल अच्छी है। हाँ, फारूक भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।